केंद्र सरकार बिना आलोचना रे प्रणयन करिसेंती नूतन कृषि आय याकु देशर कोण अनुकोणरु कृषक माने ग्रहण करबाकु नाराज परिस्थिति एपरि होई जाइछ जे देशर विभिन्न प्रांतरु लक्ष लक्ष चासी परिवार छाडी भोको उपास रे दिल्ली रे शीत काकर रे पड़ी रहछन्ती। ए कृषि आयन कु प्रत्याहार दाबी करी कटक शिखरपुर स्थित गुरुद्वार गुरु नानक दान साहिब कमिटी विक्षोभ प्रदर्शन सह शोभायात्रा करिछि। कमिटी पक्षरु कहा जाइछ जे देशर हृदय होछन्ती कृषक। आज अन्नदाताक पई आमे सबु प्रकार खाद्य शस्य पाउछे हेले सेमानक पई कोनोसी सुविधा आज जाय सरकार करि नाहती। कलंकित नूतन कृषि आईन तीनोटी धाराकु प्रत्याहार पाई अति पड़ बसिंट से किंतु केंद्र सरकार निज जिद्र अटल ये नीति सरकार आपणईदे सत हेले देशर बड़ बड़ पुंजीपति यार फायदा सीधा सख मिल जहाँफल कृषकटी आत्महत्यार रास्ता बाछ सरकार नीतिर कृषक मान समर्थन में समित्र सभापति एस जगराज सिंह नेतृत्व में एक विराट विक्षोभ पटवार गुरुद्वार ठार बाहरी विभिन्न गली सभा मंडप को फेरी कृषि बिल को तुरंत प्रत्याहर करने को कटक जिलापाल भवानी शंकर चैनी जरिया एक दाबी पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्देश्य पठा जा संपादक त्रिलोचन सिंह परामर्शदाता कमिटी सभ्य एस प्यारा सिंह एस अवतार सिंह एस गुरचरण सिंह एस सुखदेव सिंह शिखरपुर साई मुरबी तथा राज्य ट्रक आसोसीएसन सभापति शरद प्रधान सभापति जयंत प्रधान संपादक विष्णुचरण स्नायक समेत पूजा कमिटी सदस्य मैंने सामिल होते। मेन एक ही मकसद है कि हम लोग किसान पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वी सपोर्ट द फार्मर्स फार्मली और हम उनके साथ हैं। बड़ी से मोटा लगा करके हम चाहते हैं कि ये कानून जो तीन ब्लैक कानून बनकर लाई है बैकडोर से लेकर आई है इसको वापस ले, जल्द से जल्द इमीडिएट वापस होना चाहिए। लाखों लाखों किसान भाई और बैठ करके ठंडे में वो उनकी बात मन की बात मोदी को समझ में नहीं आ रही है। मन की बात खुद समझा रहे हैं लाखों किसानों की बात, जो किसान के बोलते थे पहले कि जय जवान जय किसान, किसान की मैं दो इनकम दुगनी कर दूंगा। कहाँ दुगनी करो भाई, आप तो लेकर के कॉर्पोरेट को किसान को बेच चुका। आपका फर्ज है कि किसानों का सपोर्ट करना। किसान हमारे अन्नदाता है, उनके साथ पूरा देश का 130 करोड़ 35 करोड़ जो पॉपुलेशन है सारे ही जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ किसानों का बिल नहीं, ये हम सबका बिल है। और इस कोरोना के टाइम में, पैनेडेमिक के टाइम में क्या जरूरी थी इतना बगैर हड़बड़ी में गवर्नमेंट ने जो पास किया है, सिर्फ अपने मेजॉरिटी तानाशाही गवर्नमेंट के जो दिखा के अपना पास किया गया है, जबकि पास करने का कोई डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है फॉलो नहीं किया गया। राज्यसभा में भी आपने देखा कैसे बिल पास, सिर्फ मेजॉरिटी की वजह से कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहली बात सर, एक में जब अगर कानून आप बोल रहे हैं किसान के फायदे के लिए, तो एटलीस्ट किसान को बैठ के डिस्कशन तो करना चाहिए। कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले आप जिसके लिए बना रहे हैं उनसे तो डिस्कशन करिए, भाई ये आपके फायदे के लिए हम बना रहे हैं। जब किसान बोल रहे हैं मेरे फायदे का नहीं है, यहाँ तक कि मेरी जमीनें चली जाएंगी, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं।